हाय फ्रेंड्स, और एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं गोवा का, जो कि ओल्ड गोवा घूमने के लिए यहाँ मेला लगा हुआ है, पीछे सब देख सकते हो। और ये रहा एक फ्रेंड है, झूले वगैरह लगा है, काफी ज्यादा भीड़ भड़ा का लगा हुआ है। 10-15 दिन के लिए ये मेला लगेगा। और यहाँ एक जो इंसान था, जो कि महान इंसान बोलते हैं, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम सेंट फ्रांसिस कुछ नाम था उसका, तो उसका जन्म कारण में शायद यहाँ मेला लगता है। तो उसका लास्ट को आज तक भी रखा हुआ है बहुत सालों तक, 5 साल में एक बार ओपन करते हैं, और दिसंबर के यही 2 तारीख यहाँ से हर साल में मेला लगता है यहाँ पर। तो हम लोग ओल्ड गोवा पहुँच चुके हैं और आप लोग को दिखाते हैं आगे का व्यू। फ्रेंड्स, हम लोग ये चर्च के जस्ट मेन गेट के आगे साइड में हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, और इसी में जो कि सेंट फ्रांसिस का जो कि कब्र को रखा हुआ है, तो हम लोग अभी अंदर प्रवेश करने वाले हैं और देखेंगे कि उसका कब्र कैसा है। उसको मतलब काफी सालों से उसको रखा हुआ है और उसी के नाम से यहाँ मेला वगैरह लगता है। 3 दिसंबर जो कि यहाँ पर मेला लगता है गोवा में, और ये सेंट फ्रांसिस जिसका नाम है। तो चलो अंदर जाते हैं, उसके बाद ही मिलते हैं आप लोग के साथ। और मेरे पीछे देख सकते हो ये यही चर्च है जो किसी के अंदर में रखा हुआ है। यार फ्रेंड्स, हम लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन अंदर में मतलब वीडियो वगैरह फोटो वगैरह खींचना मना है बोल रहे हैं। अरे ये रहा गेट, और हम लोग अंदर जा रहे हैं। यार फ्रेंड्स, हम लोग चर्च के अंदर तो गए थे, लेकिन वहाँ बस कब्र नहीं है, वहाँ से कब्र को निकाल चुके हैं। और वहाँ जो कि मेन चर्च है इस साइड में, वहाँ पास इसको शिफ्ट कर दिया गया है, और अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं। और चर्च में घुसे थे, वहाँ पर वीडियो और फोटो ने नोट अलाउ, तो हम लोग को चर्च में घुसते ही मतलब कि मोबाइल को जेब में रख लिए, और मतलब फोटो वोटो खींचना पूरा बंद हो गया, और आप लोगों को अंदर का व्यू नहीं दिखा पाया। अरे यहाँ तोप है, तोप डबल तो। और ये पुरातत्व मतलब बहुत पुराना जो कि यहाँ सामान है, देख सकते हो ये तोप। अंदर इसमें गोला भी है, लेकिन पूरा चिपक गया है। पुराना क्रूस देख सकते हो, यहाँ कुछ कुछ लिखा है, बारूदी बनाने के लिए चक्की के पत्थर। ये चक्की बड़ा सा है, बहुत ज्यादा बड़ा, इसमें डबल है फिलहाल, ये तो सिंगल, इसके ऊपर का गायब है इस। ये चक्की है, और वो कौन सा चक्की है, क्या है वो? अब इतना बड़ा रेलिंग पुराना जमाने आदमी नहीं चलाते थे।
अकेला आदमी खींचता था या पूरा हाथी खींचता था इसको? बहुत बड़ा झुकी है ऐसा क्या? ज्यादा मस्ती कर रहे हैं आपस में, बहुत मस्ती वाला है। अभी हम लोग मेले साइड गए नहीं है, उधर भी जाएंगे, झूला वूला दिखाएंगे आप लोगों को। फिलहाल अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए हम लोग यहीं आसपास घूम रहे हैं, उधर उधर मस्ती गटर मस्ती कर रहे हैं। वीडियो में बने रहो यार। फ्रेंड्स, हम लोग चर्च के उधर घूमे फिरे और अभी हम लोग जा रहे हैं समुद्र की ओर घूमने के लिए, और मेला आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा वहाँ पर। और अभी हम लोग समुद्र की ओर जा रहे हैं और ये है इसका मेन गेट एंट्री, तो चलो बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आगे तरफ हेमंत है और यहाँ गेट वगैरह है बड़ा सा। और इधर कुछ सूचना लिखा हुआ है। चलो आगे तरफ देख सकते हो, आगे तरफ पानी दिख रहा है, समुद्र उधर आगे तरफ है। वहाँ पर अच्छा सा व्यू आप लोगों को दिखाऊंगा, काफी सुंदर नजारा, काफी अच्छा व्यू पॉइंट देख के आप लोगों को वहाँ से भी दिखाऊंगा। इस जगह का नाम है फ्री बोट। इधर पार्किंग लगा हुआ है और यहाँ से आप लोग देख सकते हो बाइक और स्कूटी कार वगैरह खड़ा कर रहे हैं। यहाँ से उस साइड यहाँ से पार होता है। यहाँ पर फिलहाल पुल नहीं बना हुआ है, मतलब ब्रिज नहीं है, ब्रिज पीछे साइड में है, ब्रिज उधर है, ब्रिज उधर। और यहाँ से देख सकते हो गाड़ी सबको यहाँ से उस पार शिफ्ट किया जाएगा, उस पार लिया जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, वहाँ पर पार किया जाएगा सबको गाड़ी को। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर ओल्ड गोवा आओगे तो यहाँ फ्री बोट के पास आप लोग घूमे जरूर आना, देख सकते हो काफी सुंदर व्यू है यहाँ से दिख रहा है। और हम लोग शायद उस साइड जाएंगे, आगे साइड उधर थोड़ा हम लोग घूमने जा रहे हैं। और यहाँ से आप लोग को जाना है उस पार, तो यहाँ से उस पार जा सकते हो, आ सकते हो। और यहाँ पर गाड़ी को भी लिया जाता है उस पर, बाइक मोटरसाइकिल सब चीज को। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी उस पार जाने वाले हैं। अभी तो अभी उस पर बैक कैमरा सब लोग को दिखाता हूँ मैं। फ्रेंड्स, हम लोग बोट के ऊपर में आ चुके हैं, काफी सारे लोग अभी उस पर जा रहे हैं, काफी मजा आने वाला है उस पर। और यहाँ से बीच आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, काफी सुंदर नजारा है यार। और भी लोग आ रहे हैं लेकिन जगह नहीं हो रहा है फिलहाल, कार के लिए थोड़ा सा जगह हो जाएगा फिलहाल, वो पीछे वाला गाड़ी के लिए जगह नहीं होगा मेरे ख्याल से, लगता है। बोट चलने ही वाला है, बस यही आएगा उसके बाद में चलेगा। देख इतना गाड़ी को लेके जा रहा है, देख सकते हो यार, दो तीन अगर फोर व्हीलर है, पाँच छह फोर व्हीलर, चार है, तो चार पांच फोर व्हीलर है, और बाइक है, साइकिल भी है उधर बहुत सारा। I try to pay for you.
तो हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी बोर्ड से नीचे जा रहे हैं। अभी हम लोग जस्ट ये गाड़ी सब भी खाली हो रहे हैं। फ्रेंड्स हम लोग बोर्ड से नीचे उतर चुके हैं और अभी इस पार आ चुके हैं इधर थोड़ा घूमने के लिए। नीचे का नजारा है, यहाँ पर फ्री बोर्ड है जो कि आप लोगों को फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। और कार और बाइक जो भी रहता है हम लोग के लिए, उन लोग के लिए कुछ जो चार्जेस लगता होगा 50 रुपया या 100 रुपया कुछ चार्जेस रहते हैं जो कार और बाइक सबका। और जो पैदल रहते हैं उन लोग के लिए फ्री है, फ्री बोर्ड बोलते हैं इसलिए यहाँ पर। और अभी हम लोग थोड़ा उस साइड आगे साइड जा रहे हैं, दिखाता हूँ बैक कैमरा से। तो यार फ्रेंड्स हम लोग फ्री बोर्ड में घूम कर आ गए हैं अभी, और अभी हम लोग का टाइम पहुंच गया है पैदल जाने का है। और अभी हम लोग चर्च तो नहीं जाएंगे, अभी हम लोग सीधा मेला जाएंगे, मेला झूला उला झूलने के लिए। झूलने के बाद सीधे बस मिले तो बस में जाएंगे, नहीं तो हम लोग पैदल। तो हाँ फ्रेंड्स मैं अभी अपना शर्ट जो कि चेंज कर चुका हूँ और अभी हम लोग मेला बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। और इधर हेमंत भी है, ये भी शर्ट चेंज कर चुका है और इसके चश्मा वश्मा भी खरीद लिया है, पूरा रोला में चल रहा है ये वाला। और अभी हम लोग झूला के पास पहुंच चुके हैं और शायद झूला झूलेंगे तो आप लोगों को पूरा व्यू दिखाऊंगा यार झूला का। टू पैसेंजर, तो एक पैसेंजर में 100 रुपया। तो हम लोग टिकट ले रहे हैं अभी, तो यार फ्रेंड्स हम लोग टिकट ले रहे हैं 2 आदमी में प्रत्येक व्यक्ति में मतलब 100 रुपया। तो टिकट लेते हैं उसके बाद में देखते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग बहुत ऊपर में आ चुके हैं, बहुत ऊपर देख सकते हो यहाँ से पूरा मेला का नजारा दिख रहा है। और साथ में हम और हम लोग अभी आ चुके हैं झूला में, चढ़ चुके हैं अभी हम लोग और इधर रोड है, इधर आसमान के ऊपर उड़ने वाले हैं, देख रहे हैं क्या होता है। डर तो बहुत लग रहा है लेकिन बताने क्या क्या है, हम लोग देख रहे हैं कुछ करके जाएंगे, सोच रहे हैं क्या है। ये बहुत ज्यादा ये भी है, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा ये भी। इसमें कम से कम 100 रुपया का टिकट है और इसमें कम से कम 20 राउंड घुमाया जाता है, बहुत ज्यादा है। अरे अमन डर के मारे देख सकते हो पैसा पकड़ा है, चश्मा अच्छा सा पकड़ गिर जाएगा नहीं तो ना। इतना पैसा निकलने वाला है यार, ये बैठने वाला नहीं था, इसको मैं जबरदस्ती लेकर आया हूँ मैं, आप देखते हैं इसका हालत क्या होता है। इधर लेडीज के भाई बैठ चुके हैं, मेरा फ्रेंड देख सकते हो ब्रेक डांस चल रहा है, आगे साइड में ब्रेक डांस, अंदर काफी कुछ कुछ सामान लगा हुआ है, सब चालू हो चुका है। हम लोग का टाइम हो चुका है अभी, काफी 10 मिनट आस पास घुमाए हम लोग और हम लोग का टाइम हो चुका है अभी। अभी हम लोग उतारने वाले हैं, अभी हम लोग करेंगे और ज्यादा शाम भी थोड़ा हो जा रहा है, अभी हम लोग को रोड जाना है, बहुत लोग जाना है। फ्रेंड्स हम लोग का टाइम भी होने वाला था इसलिए हम लोग नीचे आ चुके हैं अभी।
और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, हम लोग का झूला झूला हो गया है और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं फिलहाल। लाइक पकड़ के आ गए हम लोग। इतना डरपोक है साला, ऊपर गया ही नहीं साला, इतना डरपोक है ऊपर गया ही नहीं। क्या फ्रेंड्स, हम लोग का टाइम हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ से जाने के लिए 2-3 घंटा लगता है, इसलिए हम लोग अभी जल्दी जाने वाले हैं। गुड बाय गुड बाय, अभी हम लोग जल्दी जाने वाले हैं फिलहाल यहाँ से फिर। और अगर ज्यादा रात हो गया यहाँ पर, हम लोग को 7-8 बज गया तो हम लोग के लिए फिलहाल बस नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जाने वाले हैं, ताकि हम लोग यहाँ रुक भी नहीं सकते और हम लोग मतलब पैदल जा भी नहीं सकते, काफी दूर है यहाँ से। तो गुड बाय बने रहो यार, फ्रेंड्स देख सकते हो काफी ज्यादा भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर। और हम लोग झूला में चढ़े हुए थे और मतलब चिल्ला चिल्ला के मतलब हम लोग का गला ही खराब हो गया पूरा, गला ही मतलब खराब हो चुके हैं अभी अभी ज्यादा चिल्ला। इतना डरपोक है सारा, झूला में चढ़ाए नहीं है, चढ़ाए नहीं, भाग गया, समझा ना, भाग गया ये, टूट जाएगा तो भाग गया। बाकी हेमंत और मैं चढ़े थे, काफी मजा आया, फिर पहले भी मजा आया, सोचे थे मतलब कुछ तो किए नहीं, मतलब झूला ही झूल के जाने वाले हैं ऊपर। फ्रेंड्स हेमंत की गर्लफ्रेंड के लिए हम लोग गाड़ी खरीद चुके हैं, गाड़ी पैकिंग करवा रहा है हेमंत, बहुत खुश है ये वाला। इसकी गर्लफ्रेंड के लिए भी गाड़ी पैकिंग हो रहा है, देख सकते हो आप। मेरे गर्लफ्रेंड के अभी पैक हो रहा है, गाड़ी पैक हो रहा है, देख सकते हो अभी। और हेमंत का शक्ल देखो इधर देख, बहुत खुश है वो, और इसके हाथ में आ चुका है घड़ी, बहुत खुश है, बहुत खुश। तो यार फ्रेंड्स, हम लोग पूरा ओल्ड गोवा घूम चुके, बहुत मजा आया, झूला झूले, समुद्र में बोट में चढ़े, काफी इंजॉय किया हम लोग। मैं यहीं पर सेंड करना चाहता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल हम लोग का वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों के ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे।